सीरियल अनुपमा में जन्माष्टमी के दिन होगी नई एंट्री। जी हाँ दोस्तों, शो को एक साल पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि पहली जो जन्माष्टमी थी उस बार वनराज और अनुपमा ने डांस किया था, लेकिन इस बार अनुपमा की जिंदगी में कान्हा जी ने नए तरीके से रंग भरने का सोच ही लिया है। शायद इसीलिए अनुज यानी कि गौरव खन्ना आपको अनुज के रूप में नजर आएंगे इस शो में और अनुपमा की जिंदगी में नए रंग भरते हुए। अब यहाँ पर घर वालों के सामने, अनुपमा के सामने एक ही प्रॉब्लम चल रही है कि उनके पास पैसे नहीं है और टैक्स चुकाना है, तो कारखाने की डील का फैसला लेते हैं सब लोग ताकि वहीं पर उनको जगह भी मिल जाए और कोई बिल्डर उनके ऐसी तरह से डील करे कि उनकी अकेडमी और कैफे भी वहाँ बनाया जा सके और वहाँ पर बिल्डिंग में ही ऐसा कुछ हो जिससे कि इन दोनों की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। तो भाई जगह को बेचकर वहीं पर अपना स्पेस बनाकर बिल्डिंग बनाकर ऐसा कुछ सॉल्यूशन निकाला जाएगा और ये डील अनुज कपाड़िया के साथ ही होने वाली है। लेकिन अनुज कपाड़िया की इस तरह से अनुपमा से पहले ही मुलाकात हो जाएगी। डील से पहले अनुज और अनुपमा एक दूसरे के आमने सामने होंगे और काफी धमाकेदार इनकी मुलाकात होने वाली है, जो कि इसका इंट्रो यानी कि इसका प्रोमो जल्द ही आप लोग देख पाएंगे, जो कि काफी धमाकेदार होने वाला है। फिलहाल अभी अनुपमा ने इसका इंट्रो नहीं दिया है, तो इसके लिए भी हम फैंस का इंतजार कर रहे हैं। और आपको बता दें कि अब यहाँ पर जन्माष्टमी का त्यौहार भी मनाया जाएगा और इस दिन बापूजी और अनुपमा दोनों ही अनुज को भी इनवाइट करेंगे, क्योंकि उनकी फैमिली से वो काफ़ी दूर हैं और उनकी फैमिली को देख कर उनको अपनी फैमिली जैसी फीलिंग आती है। तो अनुज भी इसमें पार्टिसिपेट यानी उनके साथ में मनाने का फैसला करते हैं और इस जन्माष्टमी के दिन अनुपमा और अनुज का ही धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलने वाला है। वनराज और काव्या जो कि यहाँ पर हमेशा कपल के तौर पर नजर आते हैं, अनुपमा को बेचारी को कैसा लगता होगा ये वनराज को अब समझ आएगा जब वनराज की जगह अनुज अनुपमा के साथ डांस करते दिखाएगा, वो भी जन्माष्टमी के दिन। और इसी दिन से बाबूजी के दिमाग में ये ख्याल आ जाएगा कि भाई अनुपमा की जिंदगी में भी अगर कोई रंग भर सकता है तो वो अनुज ही है। और यहीं से अनुपमा और अनुज की जिंदगी की एक नई शुरुआत बाबूजी अपने दिमाग में कर लेते हैं और उसके बाद आने वाले एपिसोड्स तो कैसे धमाकेदार होंगे, जहाँ पर बापूजी सोच ही लेते हैं कि अब अनुपमा की ज़िंदगी में भी कोई तो पार्टनर होना ही चाहिए जो उसका सहारा बने, हर वक्त अनुपमा अकेली पड़ जाती है और हर किसी के बारे में सोचती रहती है लेकिन कोई उसके बारे में भी तो सोचे। और बापूजी अब फैसला करते हैं कि वो अनुज और अनुपमा को एक करके ही रहेंगे। तो दोस्तों जन्माष्टमी पर हमें इस बार वनराज और अनुपमा का नहीं, अनुपमा और अनुज का डांस परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाला है, जिसमें रूपाली गांगुली और गौरव खन्ना एक साथ दिखेंगे। तो कितना एक्साइटेड है आप अनुपमा की जिंदगी की नई शुरुआत के लिए, कमेंट करके जरूर बताएं।